नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आपका चाहिता चैनल जी बिजनेस आज दिवाली का त्यौहार मना रहा है और इस पर हमें यही शुभकामना है आप सभी के लिए। हमारी पूरी टीम से की तरफ से आपके लिए शुभकामना कि आपका जीवन जो है दीपावली के ही दियों की तरह जगमगाता रहे। चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और विदेशी बाजार के संकेतों से शुरुआत कर लेते हैं। एसडीएक्स निफ्टी से ही शुरुआत करेंगे। करीब 125 अंकों की गिरावट के साथ 12650 के इर्द गिर्द यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजार की शुरुआत जो है फिलहाल सुस्ती के साथ होती हुई। हांगकांग के बाजार में बड़ी गिरावट है, करीब 165 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए लाल निशान के साथ फिलहाल कामकाज है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने परेशानी बड़ी कर दी है, जिसके चलते कल अमेरिकी बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिले। करीब 320 अंकों की गिरावट के साथ डाउ में कामकाज हमने देखा और नैसडैक में 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली। विस्तार से जान लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं दीपांशु भंडारी से। उसके बाद हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति भी समझेंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, और आपको ऑफिस में देखकर काफी खुशी हो रही है, बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। और ऑफ कोर्स हालांकि त्योहारी सीजन है, बट थोड़े जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, आज सुस्ती के आ रहे हैं, ऐसी कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं हुई है, कोई ज्यादा भारी बिकवाली का दबाव आप नहीं देख रहे हैं। लगभग 1% तक की गिरावट सभी मार्केट्स में दिख रही है और एसजीएक्स निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स कल शाम अमेरिकी बाजारों की गिरावट के बाद सपाट है इस समय, बट डेफिनेटली थोड़े कंसर्न्स मार्केट्स में आ रहे हैं और कोरोना की चिंता अब वापस आते हुए दिख रही है। हालांकि अभी तक मार्केट्स ने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है, बट डेफिनेटली कल जो है एक चिंता कोरोना की वजह से आती हुई दिखी, जिसकी वजह से डाउ 300 अंक फिसला, S&P 500 1% नीचे था और टेक्नोलॉजी शेयर्स में भी बिकवाली का ही दबाव आया, बल्कि यूएस में सारे के सारे सेक्टर्स बिकवाली ही दिखा रहे थे। कोरोना के अलावा जो चिंता है वो है इस समय जो फेड के चेयरमैन का एक बयान आया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। हालांकि जो डेटा आया है कल का साप्ताहिक बेरोजगारी दावों का, वो 7,09,000 का आया है, जो कि अनुमान से काफी बेहतर है और कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद अब तक का सबसे अच्छा डेटा रहा है। पर कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली चिंताजनक हैं। कल यूएस में हमने देखा रिकॉर्ड 1,60,000 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 1,150 लोगों की मौत हुई है एक दिन में। यही नहीं कि अब खबरें ये भी आ रही हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक कि यूएस को अगर ये कोरोना का फैलना रोकना है तो फिर 4 से 6 हफ्तों के नए लॉकडाउन की जरूरत है। ये अभी रिपोर्ट स्टेज पर है, ऐसा कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, बट खबरें ये हैं कि शायद एक और लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है यूएस को। शिकागो, जो यूएस की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है, वहां पर ऑलरेडी स्टे एट होम ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और साथ ही न्यूयॉर्क में आज से नए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, जिसके बारे में कल मैं बता रहा था। रेस्टोरेंट्स, जिम्स, बार्स 10 बजे के बाद ये खुले नहीं रह सकेंगे। पब्लिक प्लेसेस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो डेफिनेटली कोरोना के नए मामलों की चिंता है। यूरोप में भी हमने देखा 0.5 से 1.5% की गिरावट रही, कच्चे तेल में गिरावट आती हुई दिखी है, डॉलर फिसला है या ज्यादातर सपाट ही रहा है, बट सोने में हल्की सी खरीदारी वापस आई है। तो डेफिनेटली थोड़ी चिंताजनक संकेत हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हालांकि भारी बिकवाली कहीं नहीं है। बिल्कुल दीपांशु, और शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जान लेते हैं कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या क्या FISDIs का एक्शन देखिए। FIIs ने कैश मार्केट में 1514 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं कैश मार्केट में DIIs की तरफ से 2239 करोड़ की बिकवाली आई है। वायदा बाजार में FIIs की तरफ से 1840 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। तो क्लियरली अच्छी बात यह है कि FIIs कैश मार्केट और वायदा बाजार में बड़ी खरीदारी ही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर गुड मॉर्निंग, दिवाली त्योहार की धूम तो शुरू हो चुकी है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और शुरुआत विदेशी बाजार को ही समझकर करना चाहेंगे क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए कितना गंभीर हो सकता है ये? गुड मॉर्निंग मानसी, आपको भी दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। जहां तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है, जो एक्शन कल डाउ में दिखा है वो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था कि अब ज्यादातर ट्रिगर्स आपके लिए सामने आ चुके हैं और अब कोरोना के मामले जिस तरह से फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं
न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया भर में, वो थोड़ी चिंता की बात है। और उस पर बाजारों का रिएक्शन जो आता दिख रहा है वो एकदम परफेक्ट है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छी तेजी दिखाने के बाद बाजार थोड़े से यहाँ पर समय बिता सकते हैं, ग्लोबल मार्केट से हमें वही संकेत मिलते हैं। तो ये कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन सकता है और इसमें हम थोड़ा सा वक्त अगर इन लेवल के आसपास बिताएं तो कुछ गलत नहीं है, वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा ही है। लगातार 5 दिनों तक दमदार खरीदारी करने के बाद एफआई ने खरीदारी तो की है, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ा छोटा होता हुआ दिखा है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग की वजह से जो कुछ भी उनको बड़ा खरीदना था वो खरीद चुके हैं। कल 1500 करोड़ की खरीदारी जरूर की है कैश मार्केट में, लेकिन सामने 1650 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं। तो वायदा कारोबार में थोड़ी सी बिकवाली है, ऑप्शन में जो खरीदारी है उसमें भी पुट ऑप्शन ज्यादा खरीदे गए हैं। तो ओवरऑल आंकड़े मिले जुले हैं, घरेलू फंड तो बिकवाली कर ही रहे हैं। उन सबके बीच में मुझे लगता है कि बाजार दोनों तरफ आज आपको ट्रेडिंग के मौके देगा, रेंज में उतार चढ़ाव के बीच में। और ऐसे में जो लेवल से जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, इमीडिएटली जिन पर सपोर्ट के तौर पे 12,550 12,625 ये निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 12,750 12,800 हल्की प्रॉफिट बुकिंग का जोन हो सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 27,800 27,900 इमीडिएटली सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर की तरफ 28,650 28,850 ये वो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेंज हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 12,550 से 12,625 निफ्टी के लिए आज सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 12,750 से 12,800 की रेंज को ध्यान में रखिए, प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। 27,800 से 27,900 बैंक निफ्टी के लिए ये सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 28,650 से 28,850 के दायरे को मानकर चले ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी के लिए, इसे आप मानकर चल सकते हैं। चलिए खबरों वाले शेयर्स कौन से ये भी बता देते हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, हैप्पी दीपावली टू यू, बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल। और नतीजों की अगर आज बात करें तो आज भी ढेर सारे नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और आज भी फोकस उन्हीं पर रहेगा। निफ्टी से दो इंपॉर्टेंट कंपनी टाटा स्टील और ओएनजीसी के नतीजे आने वाले हैं तो यहां पर नजर रहेगी। इसके अलावा अक्टूबर के डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी होंगे, वैलियंट ऑर्गेनिक्स नतीजों के साथ बोनस शेयर पर विचार करेगा, इन दोनों पर भी नजर रखिए। आज कुछ रिकॉर्ड्स डेट है, मेडिस्को बायबैक की, थायरोकेयर के डिविडेंड की आज रिकॉर्ड डेट है, कंसाइन नेरोलैक के भी अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, और अजंता फार्मा के भी की रिकॉर्ड डेट है। तो इन तीनों कंपनियों पर नजर रखिए। नतीजों पर अगर आते हैं तो निफ्टी से आयशर मोटर्स ने जो अपने नंबर्स घोषित किए, नतीजे हर फ्रंट पर अनुमान से बेहतर हैं। गिरावट जरूर दर्ज हुई है लेकिन अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं। आय में करीब 2.5% की गिरावट दर्ज हुई है, मुनाफा 40% घटा है कंपनी का। इसके अलावा ग्रासिम, यहां पर भी नंबर्स कमजोरी हैं लेकिन हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर नंबर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। बिक्री में करीब 28% की गिरावट, मुनाफे में 31% की गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि फर्टिलाइजर कारोबार को इंडोरामा इंडिया को 2,650 करोड़ में बेचने की मंजूरी भी मिल चुकी है, ये एक अपडेट ग्रासिम के लिए। एमजीएल के नतीजे काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, अनुमान से बेहतर है। आय की अगर बात करेंगे तो वहां पर करीब 90% से ज्यादा की बढ़त इस बार देखी गई है। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी नंबर्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और जो मुनाफा है वो 22% से बढ़ा है कंपनी का। कैश सेगमेंट के नतीजों पर आते हैं तो बीबीटीसी के नतीजे मिले जुले हैं, आय में करीब 11% की बढ़त देखी गई है लेकिन मुनाफा घटा है टैक्स एक्सपेंसेस में बढ़त के चलते, और 75% की गिरावट मुनाफे में इस बार देखी गई। तिरुमलाई केमिकल्स के नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, आय सपाट जरूर है और लेकिन मुनाफे में देखेंगे तो वहां पर अच्छी बढ़त देखी गई है, स्पेशली कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर जिसमें कि मार्जिन डबल होते हुए नजर आए। हाइसन मलयालम्स के नंबर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, आय में करीब 4% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है, मुनाफे में शानदार बढ़त, 2 लाख से बढ़कर ये जो आंकड़ा है 8 करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा 20 लाख से बढ़कर 8 करोड़ के आसपास कंपनी ने घोषित किया है, और मार्जिन के नंबर में भी शानदार बढ़त इस बार देखी गई। सुप्रजीत इंजीनियर्स के नंबर्स भी बेहतर नजर आ रहे हैं, आय में 11% की बढ़त है, मुनाफे में 6% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 32% बढ़ा है कंपनी का। कैमलिन फाइन साइंसेस के नंबर्स पे अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर नंबर्स मिले जुले हैं, आय में 8% की बढ़त हुई है लेकिन मुनाफा घटा है कंपनी का,
15% से, और IRCTC के नंबर्स काफी वीक नजर आ रहे हैं। आय में करीब 82% की गिरावट देखी गई है और मुनाफा 65% से ज्यादा घटा है कंपनी का, तो कमजोर नंबर्स हैं IRCTC के भी। कुछ खबरों की बात करें तो आज विप्रो पर नजर रखिए। कंपनी ने एक बड़े रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है और उसके तहत नए ऑपरेटिंग मॉडल की भी घोषणा की है, जिसमें कि पहले कंपनी के पास करीब करीब 7 स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट हुआ करती थी और 9 ज्योग्राफीज पर फोकस करती थी। अब उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है और अब 4 स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट्स और 2 ग्लोबल बिजनेस यूनिट पर कंपनी फोकस करेगी। ये जो बदलाव है ये 1 जनवरी से लागू होंगे और US मार्केट के अलावा भी वो बाकी मार्केट पे फोकस कर सके, इस वजह से घोषणा विप्रो की तरफ से की गई है। आइनॉक्स लेजर भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी का QIP बंद हुआ और इश्यू प्राइस ₹255 प्रति शेयर तय किया गया है, जो फ्लोर प्राइस था उससे 3% के डिस्काउंट पर यह भाव तय किया गया है। और आखिर में बात करते हैं ब्लॉक डील की। फंड एक्शन हुआ है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, जिसमें कि मॉर्गन स्टैनली एशिया की तरफ से 75 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है और रारे एंटरप्राइजेस की तरफ से 50 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है। ₹57 प्रति शेयर के भाव पर यह खरीदारी देखने को मिली। चलिए तो ढेर सारी खबरें हैं पूजा, शुक्रिया ये तमाम खबरों को हमें बताने के लिए। और आज ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स एक बार आपको बता देते हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय है, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 4780 का स्टॉप लॉस लगाएगा, 4940 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। SRF पर खरीदारी की राय है, टारगेट 5160 का, स्टॉप लॉस 5020 का। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय टाटा मोटर्स और DLF पर है, टाटा मोटर्स पर खरीदारी 158 के टारगेट्स को मानकर चले, 148 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं DLF में 195 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 179 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। एंजल ब्रोकिंग की राय LIC पर है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 332 के टारगेट्स के लिए 309 का स्टॉप लॉस लगाएगा। और हीरो मोटोकॉर्प पर भी खरीदारी का यहाँ पर आप राय दे रही है एंजल ब्रोकिंग, इनका मानना है 3200 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 2945 का स्टॉप लॉस लगाएं। चॉइस ब्रोकिंग की राय हिंदुस्तान यूनिलीवर पर है, कैश मार्केट में 2288 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 2148 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। तो तमाम ट्रेडिंग कॉल्स खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन अब जुड़ गए हैं। नीलेश जी, दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया, साथ ही आपकी टॉपिक समझाना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग यू मानसी। मानसी जी, सबसे पहले तो आपको और जी बिजनेस की एंटायर टीम को और सारे व्यूअर्स को वेरी हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। आज देखिए, ओवरऑल अगर हम बाजार की बात करें तो ग्लोबल मार्केट से थोड़े नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। इनफैक्ट कल निफ्टी में भी थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग हमको देखने को मिली थी, जो इंडिकेट कर रहा है कि हल्का फुल्की यहाँ पे मुनाफा वसूली एक स्वाभाविक है। एक काफी स्ट्रांग रैली हमने देखी है विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन, तो एक करेक्शन तो स्वाभाविक है, वो हमको आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस 12,750 के स्टॉप लॉस से एक बार बिकवाली करने की सलाह होगी। उछाल में बिकवाली करके चले 12,580 लगभग 600 के आसपास का एक पहला स्टॉप लॉस, पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट होगा 12,550। पहला टारगेट हो सकता है कि आज के सेशन में हमको देखने को मिले। ओवरऑल हमारा ये मानना है कि 12,500 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा, 12,500 से 12,800 की एक ट्रेडिंग रेंज हमको नजर आती है, तो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं अगर हम ट्रेड सेटअप की बात करें तो वोल्टास में एक शॉर्ट साइड में बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक पोजीशन शॉर्ट साइड में बिल्डअप हुई, एक नेगेटिव क्रॉसओवर हमको देखने को मिला कल के सेशन में। बिकवाली करके चलना चाहिए वोल्टास को, 765 का स्टॉप लॉस, 735 का टारगेट। और एक कॉन्ट्रा कॉल होगा IT स्पेस में कोफोज में, कल के सेशन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, कोफोज में खरीदारी करके चलने की सलाह होगी, 2280 का स्टॉप लॉस होगा, 2420 के टारगेट होंगे। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपसे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर आज आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। शुभकामनाएं दिवाली की, और मैं गोल्ड के साथ शुरू करूंगा। आज के दिन में तेजी का रुख लग रहा है, पिछले 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग जारी है और मुझे लगता है आज भी जारी रहेगी। गोल्ड में करीबन 50,500 के नीचे अगर मिले तो डेफिनेटली आज के लिए खरीदारी की जा सकती है, और लगभग 50,900 से 51,000 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली चांदी की अगर बात करूं, लगभग 62,200-63,000 के जोन में अगर मिलता है तो खरीदारी का मौका होगा, और मेरे हिसाब से 63,700 तक जाने की उम्मीद आज दिख रही है।
साथ ही अगर क्रूड की बात करूं तो क्रूड में भी कल हमने तेजी आते हुए देखी है निचले स्तरों से। मुझे लगता है 3,100 के करीब अगर मिलता है वहां पर बाइंग की जा सकती है। 3,180 के रीसेंट हाई रीटेस्ट हो सकते हैं और इस ट्रेड के लिए 3,060 का एक स्टॉप रखना जरूरी है। बिल्कुल शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब ब्रोकरेज रिपोर्ट आपको बता देते हैं। जुबिलेंट फूड पर सीएलएसए की रिपोर्ट आती दिखी है, अंडर परफॉर्म रेटिंग को बदलकर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग ये दे रहे हैं। ध्यान रखिए कल की क्लोजिंग 2,355 की रही, अब लक्ष्य जो है 2,245 से बढ़ा दिया है उन्होंने और बढ़ाकर 2,550 का किया है। इनका भरोसा अब जुबिलेंट फूड के कारोबार पर बनता दिख रहा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का कारोबार जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आता हुआ बिल्कुल देखने को मिलेगा, जिसके चलते अंडर परफॉर्म रेटिंग से बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर दी गई है।